हेलो नमस्ते। यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बहुत ही कमज़ोर हैं तो आप हमारे 12th PCM सॉल्यूशन एप्लीकेशन को डाउनलोड मौजूद है, या प्ले स्टोर पर सर्च करें 12th PCM सॉल्यूशन और वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक रविवार व बृहस्पतिवार को टेस्ट लिया जाता है। हेलो वेलकम गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं स्टडी नॉलेज चैनल पे। ठीक है, तो आज हम आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे चलाया जा रहा है, तो इसका अनसॉल्व, ठीक है, जो अनसॉल्व है भौतिक विज्ञान का सेट 2, जो कि 2 सेट हम चला रहे हैं इस टाइम। ठीक है, तो इसका 2019 का जो सेट 2 है उसका भाग नंबर 3 आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसके पहले हमने 2 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आइए आज हम इस तीसरे भाग में किस टॉपिक पे बात करेंगे, कौन सा क्वेश्चन है आपका, हम उस अनसॉल्व को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, तो आपका जो सेट है सेट 2, ठीक है, तो देखिए ये जो सेट 2 है, ठीक है, इसका आज के इस वीडियो में आपको खंड 2 जो कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्वेश्चन नंबर 6 चौथे का क आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्या बोला जा रहा है, इसमें हमको करना क्या है, राइट। चलिए तो देखिए, इसमें 2 सवाल दिया गया है। कैसे दिया गया है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत समझाइए, तो इनको ट्रांसफार्मर का सिद्धांत समझाना है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों के फेरों की संख्या क्रमशः कितना है, 1100 तथा 110 है। प्राथमिक कुंडली में, आगे क्वेश्चन दिया है, प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है, यदि द्वितीयक कुंडलियों से जोड़ा प्रतिरोध 220 ओम है। ठीक है, तो जो यदि द्वितीयक कुंडली का जो प्रतिरोध है वो कितने जुड़ा है, 220 ओम है। ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे यहां से, तो बोला जो है आपको क्या कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत समझाना है। ठीक है, तो चलिए पहले ट्रांसफार्मर का सिद्धांत समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, आपका ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है हम आपको बताते हैं। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे जबरदस्त बात इसमें यही है कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पे काम करता है, तो आप बोलेंगे क्या कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बात आपके दिमाग में आएगी कि अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। ठीक है, तो आइए इसी के अंतर्गत हम समझेंगे, जिसके अनुसार जब निकट स्थित किन्हीं दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यही आपका ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है। बहुत ही जबरदस्त है, आप लिख सकते हैं, अपने भाषा में भी लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसको बस, लेकिन आपको लिखने का तरीका भी तो जानना होगा, कैसे लिखना होगा, तो आप एक अच्छा सा हेडिंग डाल सकते हैं ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, और ब्लू पेन से, ठीक है, लिखना प्रारंभ करेंगे, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जिसके अनुसार जब किसी निकट स्थित किन्हीं दो कुंडलियों में से किसी एक में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम इस ट्रांसफार्मर का सिद्धांत कहेंगे। ठीक है, तो आइए अब जरा उस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है उसको हल करना जानते हैं हम। चलिए देखिए, तो चलिए हम इसको पहले लिख लेते हैं, जो आपका क्वेश्चन दिया है पहले उसमें क्या क्या दिया है हम उसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो चलिए देखिए, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, तो देखिए प्राथमिक
प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या तो फेरों की संख्या को हम दिखाएंगे किससे एनपी फेरों की संख्या को हम दिखाते हैं एन से तो इसमें बोला जा रहा प्राथमिक तो प्राथमिक के लिए पी लगाएंगे हो जाएगा एनपी इसका मान कितना दिया था क्वेश्चन में इसका मान दिया था आपका क्या 1100 दिया था इतना चलिए कहने का मतलब 1100 दिया था ना चलिए आगे देखिए द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या तो लिखेंगे द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या तो ये हो जाएगा एन एस एन मतलब फेरों की संख्या एस मतलब द्वितीय कुंडली में तो इसका मान दिया था क्या 110 हो गया 110 अब ध्यान दीजिए प्राथमिक कुंडली को दिया गया वोल्टेज भी दिया गया था ठीक है तो प्राथमिक ध्यान दीजिएगा इसको हम लिखेंगे क्या इसको लिखेंगे जो प्राथमिक कुंडली को दिया गया वोल्टेज है उसको हम दिखाएंगे ईपी से ठीक है ई पी पी समझ जाएंगे प्राथमिक कुंडली की बात हो रही है ठीक है तो क्या दिया जा रहा है वोल्टेज दिया जा रहा है कितना दिया जा रहा है 220 वोल्ट ठीक है अब कुछ समझिए आप इतना लिखेंगे तो टाइम नहीं है हमारे पास अब हम इसको बताते हुए चलते हैं शॉर्ट में तो आप समझिएगा ठीक है तो एक चीज ध्यान दीजिएगा यंत्र की प्रतिबाधा क्या होगी जिसमें जो यंत्र लगा है उसका प्रतिबाधा हम निकाल लेते हैं तो आपको वो चीज दिया गया है आप पूछेंगे प्रतिबाधा क्या होता है प्रतिबाधा का मतलब कि प्रतिरोध वही जो आपको बताया गया है ना क्वेश्चन बताया गया था कि 220 प्रतिबाधा जो उसका कितना दिया प्रतिरोध या प्रतिबाधा एक ही चीज है तो इसको हम देखेंगे प्रतिबाधा से तो प्रतिबाधा को हम दिखाते किससे है जेड से दिखाते हैं तो लिखेंगे प्रतिबाधा इसको दिखाते हैं जेड से तो इसका मान कितना दिया है इसका मान दिया है 220 तो इसका मान कितना दिया है 220 ओम तो ओम का सिंबल बनाते हैं ये हो गया प्रतिबाधा ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा अब हम इस सवाल को हल करेंगे तो कैसे करेंगे आइए जरा ध्यान से देखिएगा तो एक चीज मानेंगे कि माना द्वितीयक कुंडली के सिरों का विभवांतर ईएस है ठीक है कितना है ईएस है तो अब हम इसको हल करेंगे तो आगे देखिए तो एक फार्मूला हम लगाएंगे यहां पे क्या लगाएंगे ये फार्मूला होता है आपका ई एस ठीक है ई एस अपॉन ई पी ये हो जाएगा इज इक्वल टू एन एस एन एस अपॉन एन पी ठीक है तो जो वैल्यू हमको पता है उसकी वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा हमको ईएस की वैल्यू नहीं पता है हमको ईएस की वैल्यू यहां से फाइंड करना होगा तो ईएस को हम ईएस ही लिखेंगे और ईपी की वैल्यू हमको पता है ठीक है क्वेश्चन में आपको दिया गया था तो क्या हो जाएगा 220 वोल्ट इसका दिया गया था इसका मान हम रख देंगे अब इज इक्वल टू एन एस द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कितना दिया था 110 राइट और एनपी मतलब कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितना दिया गया था 1100 तो इसको लिखेंगे 1100 ठीक है चलिए अब हम इसको हल कर लेते हैं तो जब हम ईएस की वैल्यू निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा पहले हम ये समझेंगे राइट चलिए तो देखिए तो ये आपका आएगा इसका इसमें बुरा हो जाएगा तो हो जाएगा ई एस इज इक्वल टू 110 ठीक है गुड़े 220 अब अट्टे के 1100 इतना मिलेगा चलिए तो जब इतना मिलेगा तो अब इसको काट लेते हैं इससे कट गए एक जीरो इससे उड़ गए ठीक है देखिए कट गए तो ये 11 कट गया बचा कितना ई एस इसकी वैल्यू आ गई कितनी 22 वोल्ट ठीक है तो ये 22 वोल्ट आ गया आपका ईएस का वैल्यू चलिए तो आगे देखते हैं इसकी जरूरत कहां पड़ेगी हम इसको आगे बताएंगे आपको ठीक है चलिए देखिए तो अब हम निकालेंगे क्या द्वितीयक
कुंडली में धारा, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है पहले ये जान जाइए। तो जब द्वितीयक कुंडली में धारा निकालेंगे तो धारा को दिखाते हैं आई से, समझ में आ रही बात, और किसमें निकाल रहे हैं, द्वितीयक, द्वितीयक मतलब सेकेंडरी, तो इसको दिखाएंगे यस, ठीक है। तो आई एस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका फार्मूला ई, ठीक है, ई एस अपॉन जेड, जेड मतलब प्रतिबाधा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको हल करेंगे। तो ई एस की वैल्यू हमने यहां पे निकाल रखी है, सामने देख रहे हैं आप लोग 22 आया है, तो इसको 22 हम रख लेते हैं। अब हम पूछे आपसे जेड की वैल्यू क्या है, तो जेड की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया था, प्रतिरोध लिख के दिया था, तो कितना था वो मान, 220 था, 220 ओम था। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे, तो 22 इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या नीचे, 1/10 यही बचेगा। तो जब हम यहां से आई, ध्यान दीजिएगा, आई एस इज इक्वल टू 1/10 है, तो क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, तो आपका आएगा क्या, इतना आएगा, ठीक है, 0.1, इसके आगे जीरो लिख सकते हैं। तो ये क्या है आपका, ये धारा है, तो इसका मान, जो धारा है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए हमको निकालना है, सवाल में बोला गया था ना, तो चलिए देखते हैं, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए ठीक है। तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा, हो जाएगा ई एस इंटू, ठीक है, ई एस इंटू आई एस, फार्मूला निकल के आएगा इज इक्वल टू ई पी, ठीक है, ई पी इंटू आई पी, ये हो गया। तो जो वैल्यू हमको पता है बस वही रखेंगे, और हमको निकालना क्या, प्राथमिक धारा निकाल, मतलब प्राथमिक कुंडली में धारा निकालना था ना, तो हमको यही वैल्यू ज्ञात करनी है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे ई एस की वैल्यू हमने निकाल के दिखाया था आपको, क्या है ई एस की वैल्यू, ऊपर देख सकते हैं आप लोग 22 वोल्ट है, ठीक है, तो यहां रखेंगे हम 22, ठीक है, गुड़े इंटू है तो गुड़ा कर सकते हैं, आई एस, आई एस का मान आपके सामने रखा हुआ है, बस उठा के रखना है, तो हो जाएगा 0.1, ठीक है, या 0 बना सकते हैं, इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा ई पी, तो ई पी की वैल्यू दिया था ना, क्या दिया था, ई पी की वैल्यू आपकी दी है 220, तो हो जाएगा 220 इंटू आई पी, तो आई पी हमको क्या करना है, आई पी तो हमको निकालना है, तो जब आई पी या आई पी यहां से निकालेंगे तो आई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 गुड़े, ठीक है, 0.1 अपॉन क्या हो जाएगा, यहां पे इसका गुड़ा है तो बट्टे हो जाएगा 220 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखिए क्या होगा, इतना आ जाएगा ना, चलिए अब हम इसको हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ठीक है, चलिए तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है, तो आपका आएगा क्या 1/, ठीक है, 0 मतलब 1/10 आ जाएगा नीचे, और इंटू ये आया है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, मिलेगा 0.1/10 ये मिलेगा। चलिए अब 100 से भाग देंगे तो 1.10 है, तो 1.1 जो है, 0.1 अंक इधर चला आएगा, तो आएगा क्या आपका, तो आपका वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आएगा आई पी इज इक्वल टू 0.01, ठीक है, तो यही आपका वैल्यू निकालना था, तो यही आपका आएगा, जो कि आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें क्या बोला जा रहा है उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका दिया हुआ है, आइए क्या हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए, ख वाला क्या है, विभव मापी से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए परिपथ खींचिए तथा प्रयुक्त सूत्र का निगमन कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है, तो 3 नंबर आपको ऐसे ही नहीं दे देगा, बल्कि आपको क्या करना होगा,
परिपथ खींचिए, मतलब परिपथ भी खींच के दिखाना होगा। तो चलिए हम इसको निगमन करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए ये हमने परिपथ खींच लिया है, अब आगे देखिए, अब हम इसको समझा देते हैं, उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, निगमन करेंगे आगे, ठीक है। चलिए तो आगे देखिए, तो इसमें क्या बताया जाएगा, क्या बोला जाएगा, समझिए। इसके लिए विभव मापी के तार के सिरों, ठीक है, ए व बी के बीच एक संचायक सेल B1 और B1 धारा नियंत्रक RH तथा कुंजी K1 जोड़ लेते हैं। तो चलिए इतना देखते हैं पहले, तो क्या है ये, क्या है RH आपका क्या है, धारा नियंत्रक, ठीक है, इतना कंफर्म है। और क्या बातें हो रही थी इसमें कि B1, ठीक है, AB के बीच, तो ये क्या है, B1 है, A और B, ये देखिए ये A है ये B है, तो इनके बीच ये जो B1 और ये जो B1 है, ठीक है, तो B1 क्या है आपका, सेल है, संचायक सेल है, तो इससे और इसके, ये जो धारा नियंत्रक है इसके बीच में क्या है, कुंजी K1 है, ठीक है, जोड़ लिया जाता है। आगे देखिए बोला जा रहा है, जिस वैद्युत सेल ई का आंतरिक प्रतिरोध आर ज्ञात करना है, तो ध्यान दीजिएगा यहां जिसका वैद्युत सेल हो जाएगा, ठीक है, जिसका मतलब कि हमको जो ज्ञात करना है वही हम करेंगे। तो हमको क्या ज्ञात करना है, आंतरिक प्रतिरोध, ये दिखाई दे रहा है इसका ई सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जो एक स्मॉल आर है, आंतरिक प्रतिरोध, यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। आगे देखिए, उसके धन ध्रुव को सिरे ए, ठीक है, सिरे ए से तथा ऋण ध्रुव को एक संट युक्त, मतलब संट से क्या करेंगे, धारा मापी जी से जोड़कर जॉकी से जोड़ देते हैं। सेल के सिरों के बीच एक प्रतिरोध बॉक्स कैपिटल आर व कुंजी K2 जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए तो अब आगे समझते हैं, तो आगे क्या है, सबसे पहले कुंजी K1 को बंद करके, ठीक है, तो जो कुंजी K1 है उसको क्या करेंगे, बंद करके, तो देखिए जो कुंजी है आपकी K1 कहां पे है, यहां पे है, सबसे पहले इसको बंद करके, फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है, तथा कुंजी K2 को खुला रहने देते हैं, ठीक है, तो जो कुंजी K2 है आपका उसको खुला रहने देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तथा जॉकी द्वारा तार पर अवक्षेप की स्थिति कर लेते हैं, तो क्या करेंगे, इसको हम शून्य की स्थिति प्राप्त करेंगे, अवक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, तो आगे देखिए, माना इस स्थिति की बिंदु A से दूरी L सेमी है, क्या है, जो बिंदु A है उससे दूरी क्या है, L1 माने इसको, L1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो L1 क्यों माने हैं, आगे L2 माना होगा तभी इसको L1 माना है हमने, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, आगे सेल खुली परिपथ पर, अतः इसकी प्लेटों का विभवांतर भी है और सेल का विद्युत वाहक बल E के बराबर है, ठीक है। तो जब E के बराबर है, E मतलब क्या है, विद्युत वाहक बल, तो हमारा क्या निकल के आएगा, ये फार्मूला आएगा E = E आपका विद्युत वाहक बल है, ठीक है, दूरी क्या है, L1 मान रखी है हमने, तो हो जाएगा E = K × L1, ठीक है, स्मॉल L माने हैं, तो यह जाएगा L1। तो एक चीज आप पूछेंगे कि ये K क्या है यहां पे, राइट, तो K क्या है, K आपका है तार की विभव प्रवणता, जो तार लगा है उसका क्या है, ये K है विभव प्रवणता, ठीक है, इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, अब प्रतिरोध बॉक्स में कोई उचित प्रतिरोध कैपिटल R निकालकर तथा कुंजी K2 को बंद करके तार पर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं,
क्या करेंगे कि जो उचित प्रतिरोध है बॉक्स के अंदर है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसको कैपिटल आर निकाल कर तथा कुंजी के2 को बंद करके क्या करेंगे, तार को शून्य विक्षेप की स्थिति में लाते हैं। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, माना इस स्थिति में, इस स्थिति की ए से दूरी L2 है, ठीक है। अभी हमने लंबाई एक माना था L1, इसमें मानेंगे L2, राइट। तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा V = KL2, ठीक है, आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये आ जाएगा तो इसको हम मानेंगे क्या, समीकरण नंबर 2, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग, ठीक है, देने पर। तो ध्यान दीजिएगा, जब समीकरण 1 में समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो क्या होगा, E/V, ठीक है। क्योंकि देखिए समीकरण 1 का क्या है, ये है LHS, ये भी LHS, ये RHS, ये RHS, तो LHS का भाग LHS में और RHS का भाग RHS में, तो E/V हो जाएगा, और इधर हो जाएगा KL1/KL2, ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए तो यहां से K से क्या हो जाएगा, K कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा क्या, E/V = L1/L2, राइट। अब देखिए, अतः सेल का आंतरिक प्रतिरोध ये क्या होगा, हम ये समझेंगे, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो ये जो आया है, ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, नहीं पता है तो जान जाइए कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्रतिरोध, ठीक है। तो जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, क्या होता है, r = R ब्रैकेट में E/V - 1, ये होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि एक चीज हमको दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है, कि E/V = क्या है, L1/L2 दिखाई दे रहा है ना। तो हम अगर E/V की जगह L1 और L2 रख दें तो हमारा निकल कर आ जाएगा जो हमको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे क्या, समीकरण 3, ठीक है, समीकरण 3 से E/V का मान E/V का मान क्या करेंगे, रखने पर, चलिए रखते हैं, तो ले लेते हैं E/V का मान L1/L2 दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो r = R ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, L1/L2 - 1, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ गया जो हमको निकालना था सूत्र। इसमें हम निकाल सकते हैं आंतरिक प्रतिरोध, निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। चलिए तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, तो आज का ये क्वेश्चन समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है, आप अपने से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।